दोस्तों आ ही गया मेरे पास आईफोन 12। काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था। चलो जल्दी से इसको खोल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निक विद चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आईफोन 12 की अनबॉक्सिंग, फोटोग्राफ, कैमरा। यार काफ़ी लंबे टाइम से मैं इसका वेट कर रहा था। 16 को फाइनली मैंने इसकी बुकिंग कराई, अब मेरे हाथ में आ ही गया है। जल्दी से इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इस फ़ोन के। यार कहना क्या, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको इसके डिज़ाइन को पसंद करता हूँ, जो आईफोन 4, 5 का और ऐसे ही का रहा है, जो बॉक्स शेप में रहता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये कंफर्टेबल रहता है, हाथ से स्लिप भी नहीं होता। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए मैं बॉक्स को घुमा घुमा के देख रहा हूँ, जैसे बिना क्रेज़ी हो गया हूँ इस फ़ोन को देख के। यार ये 128 GB वाला वेरियंट है और ये करीबन मुझे 90,800 येन का पड़ा है। अब जल्दी से खोल के देखते हैं, टाइम टू ओपन द बॉक्स। तो इसमें एप्पल ने फर्स्ट टाइम ये ब्लू कलर निकाला है और ब्लू कलर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है और आपके ब्रेन को काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देता है। तो मुझे इसे पर्सनली इसलिए बहुत पसंद आया है फ़ोन। अप एंड डाउन की और साइलेंट मोड का बटन मिल जाता है। इस तरफ बिल्कुल फ्लैट है, पीछे की तरफ एज़ यूजल जो है अल्ट्रा वाइड वाइड कैमरा है। इस तरफ पावर बटन हो गया, नीचे की तरफ एज़ यूजल स्पीकर ग्रिल होनी चाहिए। पहले मैं इसे निकाल के, तो फ्लैट स्क्रीन है दोस्तों, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है इसका। पहले के लिक्विड डिस्प्ले से थोड़ा सा अलग है, जो कि आईफोन 11 में था। आपको मिल जाता है OLED डिस्प्ले दोस्तों, जो 11 में था उसमें LCD डिस्प्ले और IPS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, लेकिन इसमें आपको सुपर रेटिना के साथ OLED डिस्प्ले मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहले से इसको जो है 11% जो है थिनर किया गया है और 15% ये स्मॉल आप कह सकते हैं बॉडी साइज़ में हुआ है, लेकिन जो इसका डायगनली स्क्रीन का जो साइज़ है 6.1 इंच ही है, तो ये भी एक अपने में बहुत अच्छी बात है। फ़ोन का ये कहना दोस्तों, जितना भी तारीफ़ करें उतना ही कम है, पूरे फुली लोडेड फीचर्स के साथ भरा पड़ा है ये। सबसे पहले कवर देख लेते हैं, आईफोन 11 का कवर और आईफोन 12 का कवर कितना स्लीक है, 12 का और आईफोन 11 कितना बड़ा है, क्योंकि इन्होंने पावर अडैप्टर वगैरह सब कुछ हटा दिया है। इस बार सिर्फ आपको मिलने वाली है एक लाइटनिंग केबल और छोटी सी गाइड, और इसके अलावा कुछ भी नहीं दोस्तों। देखिए साइज़ में मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको, आईफोन 11 और 12 का साइज़, बॉडी साइज़ आप देखें, अनडाउटेडली बॉडी साइज़ में 11 जो है इससे थोड़ा सा बड़ा है लगता है देखने में, ऑफकोर्स है भी, लेकिन आप इसकी स्लीकनेस देखें तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ पहले से 10-11% इसमें कमी आई है, जो इसका थिकनेस थी उसमें। इस तरफ देखें ग्रिल वगैरह सब उस तरफ ही एक ही तरफ है। चलिए मैं आपको एक बार फुल इसका जो है ब्राइटनेस करके देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगता है देखने में ब्राइट। हाँ टेक्निकली हम लोगों को ऐसा पता नहीं चलेगा कि क्या फ़र्क आ रहा है स्क्रीन में डिस्प्ले ऑन करने से, लेकिन हाँ मैं इस वक्त प्रैक्टिकली सामने देख रहा हूँ तो मुझे वाकई में काफ़ी फ़र्क लगा इसमें, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन का जो है इसका PPI भी बढ़ाया थी। पहले जो 11 में 326 था, अब जो है 460 PPI किया है, तो मच बेटर है कंपेरेटिवली 11 के। आप देखें इसकी ब्राइटनेस जो है पहले से 1200 नीट हुई है HDR के, क्योंकि इसमें HDR जो जुड़ गया है जो 11 में नहीं था, तो जो कि डॉल्बी इफेक्ट देता है, सिनेमेटिक व्यू देता है। आप कैमरे के डिफरेंस को भी शायद देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपको मैं दिखाऊंगा इसमें मैंने इसकी कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वीडियो कैसे आती है इसकी, बाहर भी आपको लेके जाऊंगा, बाहर भी आपको वीडियो कंपेयर करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए जो मैंने वीडियो अभी रिकॉर्ड करी थी इसके सामने ही किस तरीके से लग रही है। राइट हैंड साइड में आपकी 12 से रिकॉर्ड की गई वीडियो है और लेफ्ट में आपका 11 से देख ही सकते हैं आप। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर देख के आप देखिए मैंने जो 11 है आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में जो है 12 से वीडियो रिकॉर्ड करी है। आप मुझे एज सच डिफरेंस मैं ऑनेस्टली कहूँ मुझे नज़र आता है जब मैं आईफोन 12 में देखता हूँ इस वीडियो को, लेकिन जब मैं इसको पैरेलली कंपेयर कर रहा हूँ इस वक्त तो मुझे डिफरेंस वाकई में दोस्तों इतना समझ में नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, जो ऑफकोर्स जिन लोगों को वीडियोग्राफी वगैरह का नॉलेज ज़्यादा है वो लोग बहुत आराम से इस चीज़ को देख पाएंगे, लेकिन हम जैसे जो लेमैन अप्रोच होती है जिन लोगों को वीडियोग्राफी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग इस डिफरेंस को शायद ही समझ पाएंगे कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। हाँ फ़ोन अगर आईफोन 12 आपके पास है
उस टाइम पे अगर आप उसकी स्क्रीन पे कोई वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मेजर डिफरेंस नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू आईफोन 11, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी है कि ब्राइटनेस जो है इसकी 1200 नीट मैक्सिमम ब्राइटनेस करी गई है HDR के केस में, तो वो आपको जो है नज़र आता है। ये जो वीडियो है मैंने ये सनी डे है उस टाइम पे रिकॉर्ड किया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ किस तरीके का डिफरेंस आपको आप जज कर पाएँ, आप बेटर जज कर पाएंगे इस चीज़ को। अब मैं नाइट मोड आपको ले आता हूँ। नाइट मोड में देखें कि मैंने एक ये बिल्कुल यहाँ पे लाइट बहुत कम थी तो इस एरिया में मैंने रिकॉर्ड करी है ये, तो आपको अगर डिफरेंस नज़र आ पा रहा होगा तो 11 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है। फिर मैंने थोड़ा सा इस एरिया में करी जहाँ थोड़ा सा लाइट भी थी, तो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे क्लियर कट लगा कि हाँ 12 आईफोन 12 जो है उसकी क्वालिटी मच बेटर है आईफोन 11 से व्हेन इट कम्स टू नाइट मोड। जल्दी से बता दूँ दोस्तों आपको नया क्या मिल जाता है इसमें। 5G मिल जाता है आपको, A14 बायोनिक चिप मिल जाती है, OLED डिस्प्ले मिल जाता है, सेरेमिक शील्ड मिल जाती है जो 4 times बेटर है, 16% लाइटर है, 15% स्मॉल है, 11% थिनर है, और 6.1% जो है सुपर रेटिना डिस्प्ले है इसका, एल्युमिनियम एजेस हैं इसकी, बेटर कलर एक्यूरेसी होगी इसकी, 326 PPI से 460 PPI हो गया है, 4K HDR विद डॉल्बी विजन आपको मिल जाता है, मैगसेफ एसेसरीज इसके साथ मिल जाती है क्योंकि इसका मैग्नेट जो पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। और क्या चाहिए दोस्तों एक फ़ोन में आपको। चलिए दोस्तों ये थी वीडियो आईफोन 12 के बारे में। लेकिन दोस्तों एक प्रॉब्लम यहाँ ये हो गई कि इस आईफोन 12 के साथ मुझे अब सिम बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी सिम जो मैं 11 में यूज़ कर रहा हूँ वो काम नहीं करेगी इसमें, क्योंकि 5G इसमें बिल्ड इन है। आई डोंट नो जापान में किस तरीके से इसका हिसाब किताब है, लेकिन मुझे अब सिम तो बदलनी ही पड़ेगी और उसके काफ़ी पैसे भी लगेंगे, अदरवाइज़ मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। अब दोस्तों बात करें कि अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आईफोन 12 प्रो की, वो भी बहुत जल्दी आने वाली है, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने आपको एक आईफोन 11 के साथ कंपैरिजन बताते हुए अनबॉक्सिंग की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो नहीं भी पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच, और एरिया ऑफ इम्प्रोवाइजेशन हमेशा मुझे बताते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।